Hi friends, in this video we will prove that the ring of integers is the principal ideal ring. मतलब कि हमको ये शो करना है कि ring of integers जो है वो एक principal ideal ring है. ठीक है, so principal ideal ring क्या होता है? एक ring में, that is एक ring में अगर कोई ideal है तो वो अगर single element से generate हो रहा है तो उसको प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं. और एक रिंग में अगर हर आइडियल ही प्रिंसिपल आइडियल हो तो उसको हम प्रिंसिपल आइडियल रिंग बोलते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग? इट इज़ क्लियर नाउ, सो लेट्स प्रूव इट. सो सबसे पहले हम सपोज किए आई को, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड आई अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन इज अ रिंग ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, सो रिंग ऑफ इंटीजर्स हमको पहले ही पता है कि ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिविजर होता है. दैट मीन्स कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन होता है. ये हम पहले भी वीडियोज में डिस्कस किए हुए हैं. सो हमको क्या प्रूव करना है कि वो एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग है. दैट मीन्स कि I जो है, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, विल बी अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग इफ एवरी आइडियल इन I इज अ प्रिंसिपल आइडियल. हम पहले ही वो डिस्कस किए कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग होने के लिए क्या होना चाहिए. एवरी आइडियल इन I, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स, एक प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए. ठीक है, सो सबसे पहले हम एक एस मान लेते हैं जो कि आइडियल होगा रिंग ऑफ इंटीजर्स का. ठीक है, सो लेट एस बी एन आइडियल ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स. नाउ एस कैसा हो सकता है? या तो वो नल भी हो सकता है या तो वो नॉन एम्प्टी हो सकता है, दैट इज नॉन जीरो हो सकता है. सो अगर एस नल आइडियल है, दैट मीन्स वो जीरो से जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे भी तो ये सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट हो रहा है. जो नल आइडियल है वो तो सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट हो रहा है, तो वो एक प्रिंसिपल आइडियल बन ही गया. तो उसको अब हम लोगों को प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है. सो अगर s हम नॉन जीरो माने, ठीक है, सो s जब जीरो माने तो हमको प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि s एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग ही होगा. s जब नॉन जीरो है तो s में कम से कम एक एलिमेंट तो नॉन जीरो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेगा ही, जिसको हम a नाम दिए. ठीक है, से a इन s, देन माइनस a बिलोंग्स टू s बिकॉज s प्लस b एन एबेलियन ग्रुप. क्योंकि s हम पहले ही माने हैं कि वो आइडियल है, तो आइडियल का कंडीशन से सबसे पहला कंडीशन आइडियल होने के लिए क्या होता है कि s प्लस जो है वो एक सब ग्रुप होगा. तो सब ग्रुप होगा तो वहाँ पे इनवर्स लॉ फॉर एडिशन एग्जिस्ट करता होगा. सो अगर a s में बिलोंग कर रहा है सो माइनस a भी s में बिलोंग करेगा. और हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो s प्लस है वो एक एबेलियन ग्रुप है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स में वहाँ पे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड होता हुआ देखेंगे. सो s प्लस में, s प्लस एक सब ग्रुप भी हो गया, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हो रहा है, तो उसको हम एबेलियन ग्रुप बोल सकते हैं. सिंस s कंटेन्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, सो s में पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हो रहा है हम देख रहे हैं, क्योंकि जब हम a ले रहे हैं तो माइनस a उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, b लेंगे तो माइनस b उसमें एग्जिस्ट करेगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि s कंटेन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, नाउ हम क्या किए, सेट ऑफ इंटीजर्स s प्लस को लिए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, s का, s में s प्लस को हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव एलिमेंट्स ले लिए. ठीक है, सो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई एक छोटा, सबसे छोटा इंटीजर वहाँ पे प्रेजेंट होगा. मतलब s प्लस का एक सेट लिए हैं पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ s का, तो वहाँ पे एक सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा. उस छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा वाला एलिमेंट को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करें. ठीक है, सो लेट दैट लिस्ट एलिमेंट इज s. ठीक है, छोटा s, देन वी नीड टू शो दैट कि s इज अ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय s. तो हमको ये शो, अगर हम ये शो कर दे कि वो जो छोटा एलिमेंट है जिसको हम s माने हैं, वही s को, दैट इज s जो हमारा आइडियल है उसको जनरेट कर दे रहा है, तो हम लोग का काम हो जाएगा. नाउ लेट n बिलोंग्स टू s, तो हम आइडियल में से एक n एलिमेंट को पकड़े, तो बाय, क्योंकि n जो है वो एक आर्बिट्री एलिमेंट है. ठीक है, सो लेट n बिलोंग्स टू s बी एन आर्बिट्री एलिमेंट. कोई भी ऐसे रैंडमली हम n को उठाए s में से. नाउ बाय द डिविजन ऑफ एल्गोरिथम,
There exist two integer q and r such that n is equal to q dot s plus r. ये होगा ही क्योंकि s क्या था, सबसे छोटा एलिमेंट था. q एक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट n इज इक्वल टू q डॉट s प्लस r. r जो है वो रिमाइंडर है और r का वैल्यू, सो r जो है वो जीरो और s के बीच में एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो रिमाइंडर है. ठीक है, तो इसको n को हम लोग q डॉट s प्लस r लिख सकते हैं. ठीक है, सो अब हम क्या देखेंगे कि जो छोटा s था वो s में बिलोंग कर रहा है क्योंकि s जो है वो लीस्ट एलिमेंट लीस्ट है. q जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स से आ रहा है, तो s और q जो है वो भी s में बिलोंग करेगा. दैट इज qs जो है वो s में बिलोंग करेगा क्योंकि s जो है वो एक आइडियल है और आइडियल का प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम आइडियल का कोई एलिमेंट ले और रिंग का कोई एलिमेंट को दोनों को ऑपरेट करे तो वापस वो आइडियल में ही बिलोंग करता है. सो ये आइडियल का प्रॉपर्टी है. नाउ s कंटेन्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एलिमेंट्स. तो हम ये पहले ही देखे थे कि s में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब qs अगर एग्जिस्ट करता है तो माइनस qs भी एग्जिस्ट करेगा. क्यों? क्योंकि s प्लस जो है वो एक एबिलियन ग्रुप है, हम पीछे ही देखे उसको. नाउ s जो n है उसको हम s से पहले लिए थे वो हमको पता है. माइनस qs बिलोंग्स टू s वो हम दिखा दिए. तो अगर हम QS को उधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, N माइनस QS इज इक्वल टू R. सो N माइनस QS ये देखे S में बिलोंग कर रहा है, ये देखे S में बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला जो चीज़ है वो भी S में बिलोंग करेगा और ये वाला चीज़ किसके इक्वल था, R के इक्वल था. बट हम जानते हैं कि जो छोटा R था वो सबसे लीस्ट इंटीजर था. दैट मीन्स कि so positive that r is equal to 0, it is only possible that r is equal to 0. ये तभी possible है अगर r s में आ रहा है और हम क्या माने हैं कि s जो है वही सबसे छोटा element है. तो ये तो possible नहीं है कि s से कोई छोटा element r exist कर रहा है क्योंकि हम पहले ही माने हैं कि least element क्या है, s है. तो अगर हम दिखा रहे हैं कि r जो है वो s में belong कर रहा है, that is ideal में belong कर रहा है, तो हमको contradiction मिल जाएगा. तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन r इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, सो यहाँ पे हम r को जीरो ले लिए. सो हमको n इज इक्वल टू क्यू एस मिल गया. दैट इज हम यहाँ पे जो n इज इक्वल टू क्यू एस प्लस r लिखे थे, r का वैल्यू हमको जीरो मिल गया. सो n इज इक्वल टू हमको क्यू एस मिल गया. सो हम ये बोल सकते हैं कि जो s है वो छोटा s से जनरेट हो रहा है क्योंकि अब हम रिंग में दैट इज आइडियल को जनरेट करने के लिए, दैट इज q क्या है, वो रिंग ऑफ इंटीजर्स से आ रहा है. तो q इंटीजर्स है और वो 1, 2, 3, 4 करते जाएंगे तो हमको आइडियल दैट इज s का एलिमेंट्स मिलते जाएगा. दैट इज हमारा जो छोटा s है वही हमारा आइडियल को जनरेट कर रहा है, वो हम शो कर दिए. दैट इज इक्वल टू s क्या है, वो s का दैट इज छोटा s जो है वो आइडियल को जनरेट कर रहा है. सो s इज अ प्रिंसिपल आइडियल. दैट इज कि s जो है वो सिंगल एलिमेंट छोटा s से जनरेट हो रहा है. और क्योंकि s जो है वो आर्बिट्री, जो शुरुआत में हम तो बस एक s लिए थे बट हमको पता नहीं था कि वो प्रिंसिपल आइडियल होगा कि नहीं होगा, बट हम यहाँ पे दिखा है कि जो हम s पकड़े थे वो प्रिंसिपल आइडियल है. सो और s जो है वो आर्बिट्री था, तो हम ये बोल दिए कि एवरी आइडियल ऑफ i मस्ट बी अ प्रिंसिपल आइडियल एंड हैंस वी कैन से दैट द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग. ठीक है, हैंस प्रूव द थ्योरम.